तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं तो यंग ब्रू मास्टर एडवेंचर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो येन बी टियान है, वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और बोलता है कि आखिर में तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ ये सब बोलने का, और हम लोग जो है कभी भी अपने फैमिली का भी एक डेड बॉडी के साथ शादी कैसे करवा सकते हैं, क्या तुम हम लोग का बेइज्जती करना चाहते हो। तो ये सुनकर बाली डोंग बोलता है कि अच्छा तुम्हारा बात सही है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका मृत्यु कैसे हुआ था। तो हम देखते हैं कि ये बात सुनकर बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में जिस बंदे का फ्यूनरल दो दिन पहले ही समाप्त हो चुका है उसका डेड बॉडी यहाँ पर कर क्या रहा है। अभी तभी जो है हम देखते हैं कि उसका भाई उस बक्से की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसका थर्ड अंकल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था उस डेड बॉडी को देखकर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो अपने भाई का डेड बॉडी देख कर बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है। तभी जो येन बी टियान जो है अपने जनरल को बोलता है, अपने साथी को बोलता है बाली डोंग को मार देने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो जनरल जो है बाली डोंग को मारने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन बाली डोंग बच जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो है सांप को उस पर अटैक करने के लिए बोल देती है इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सांप जो उस पर बार बार अटैक कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि जो जनरल था वो उसका अटैक से बार बार बचते जा रहा था। और फिर ये सब देखकर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि आखिर में ये लोग फाइट क्यों कर रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो जनरल जो है फाइट करते करते गुस्से में आ जाता है, और फिर वो जो है उस सी सर्पेंट से बचने की जगह उस पर अटैक कर देता है, और फिर वो जो अपना वेपन उसके चेहरे पर घुसा देता है, जिसके कारण उस सर्पेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और ये सब चीज़ देखकर बाली डोंग और उस लड़की को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो है उस सांप को रोक देती है और उसको चेक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जनरल था वो जो है बाली डोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जो है सी कोंग उसके रास्ते में आ जाता है और उसे फाइट करने लगता है, उसको रोकने लगता है, और उसको जो है बाली डोंग पर अटैक करने नहीं दे रहा था। और फिर तभी जो है थर्ड अंकल है वो अपने सर्वेंट लोग को बोलता है बाली डोंग को मार देने के लिए। तो हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन जो है अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी जो है वो यंग मास्टर, वो गु फैमिली का यंग मास्टर जो है गू ली को बोलता है उसको रोकने के लिए। तो हम देखते हैं कि गू ली उस पर अटैक कर देता है और बाली डोंग को बचा लेता है, लेकिन तभी जो हम देखते हैं कि वो पर्सन जो कि लॉर्ड हुई सी का नेफ्यू था, वो जो उसी सर्वेंट पर अटैक करता है जिसने जब बाली डोंग पर अटैक किया था, और उसको वो जो है वहीं पर मार देता है। तो ये सब चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि जो येन बी टियान है वो जो है लॉर्ड हुई सी से पूछता है क्या तुम इस सब चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड हुई सी अपने मन में सोचने लगता है कि इस गधी को, और वो जो है यहाँ पर गधी बोलता है, ठीक है गधा ना बोलता है, बोलता है कि इस गधी को आखिर में हो क्या गया, क्योंकि अगर बाली डोंग मारा जाएगा तो ये तो और अच्छी बात है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए देखकर बाली डोंग जो है उस बंदे से पूछता है कि आखिर में क्या मैं आपसे आपका नाम जान सकता हूँ। तो ये बात सुनकर वो बंदा जो है अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं जो लॉर्ड हुई सी का नेफ्यू हूँ और मेरा नाम जो है याव यूई है। और फिर तभी जो याव यूई येन बी टियान को बोलता है कि देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने जो है मार्किस जेंसी का ग्रैंडसन यानी कि बाली डोंग को मारने का कोशिश किया और उसको मार दिया, तो ये जो है सियान फैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ा कर सकता है, जो सियान फैक्शन है वो ख़त्म भी हो सकता है। तो ये सब बात सुनकर हम देखते हैं कि येन बी टियान को बाकी सब लोग समझाने लगते हैं कि हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि अगर हम लोगों ने इसको मार दिया तो हम लोग को पूरा यकीन है कि जो मार्किस जेंसी है वो जो बहुत ज़्यादा हम लोग से बदला लेगा और वो जो है सियान फैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर तभी हम जो है डिप्टी चीफ भाई उस सिया को देखते हैं, वो डिप्टी चीफ जनरल को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि मैं भी अब देखता हूँ कि येन बी टियान इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है उसी येल्लो आदमी और उसी पर्पल आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जो है उस येल्लो आदमी का नाम पता चलता है जो कि क्विंग युआन है। क्विंग युआन जो है उस पर्पल वाले आदमी
आदमी से बोलता है कि मुझे लगता है कि वो ब्लैक पर्सन जो यहाँ पर नहीं आने वाला है, और बोलता है कि मेरे ख्याल से जो यंग लेडी है वो गू फैमिली में एंटर कर चुकी है। तो ये सब बात सुनकर वो पर्पल पर्सन बोलता है कि हाँ ये बात सही है कि हमारी यंग लेडी जो है गू फैमिली एंटर कर चुकी है, और हम लोग को बस इंतज़ार करना है उनके इशारे का और फिर हम लोग तैयार हो जाएंगे। और फिर तभी जो है हम देखते हैं कि वो क्यूंग युआन जो है बोलता है कि अच्छा हुआ कि वो ब्लैक पर्सन यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहता तो हम लोग को कोई भी काम जो है आसानी से करने नहीं देता, उससे पूछ के ही करना पड़ता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो पर्पल पर्सन उसको बोलता है कि आखिर में तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो ब्लैक पर्सन भी आ जाता है और हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम गो रेसिडेंस का देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल हो रखा था। तभी जो है यान वी टियान बाले जोंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि आप जो है कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हम लोगों ने किया है, और मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप जो कृपया करके वो बक्सा जो है हमें वापस कर दीजिए, और मैं यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब चीज़ को भूल जाऊँगा। तो ये सब बात आपको कैसा लगा? तो हम देखते हैं कि बाली डोंग जो है उस लड़के को बोलता है कि तुम जो है इस सरपेंट को वापस भेजो हील करने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो लड़की जो है उस सरपेंट के पास जाती है और अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती है। तो हम देखते हैं कि वो सरपेंट जो है वापस से पानी के अंदर चला जाता है हील करने के लिए अपने आप को। और फिर तभी बाली डोंग यान वी टियान को बोलता है कि तुमने जो मेरे सरपेंट को घायल कर दिया है, और तुम्हें लगता है कि मैं ये सब बात ऐसे जाने दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर यान वी टियान बोलता है कि अच्छा तो आखिर में तुम करना क्या चाहते हो? बाली जंग बोलता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ उस दुल्हन के दुल्हा से कि वो जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हम देखते हैं कि वो दुल्हन यानी कि मिस यान जो है बोलती है कि मैं तैयार हूँ डेड बॉडी से शादी करने के लिए, गू ली से शादी करने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए।